बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर 5 था उसमें हमने देखा था हीट इंजन, देखा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था। तो पहले हीट इंजन का रिव्यू करते हैं क्योंकि आज वाला जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तो हीट इंजन बेटा हमने डिफाइन किया था कि ऐसी डिवाइस के जो कि हमारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, ठीक है। बीच में वर्किंग सब्सटेंस होती है जो कि एक साइकिल में ऑपरेट होती है। तो साइकिल से मतलब कि हमारे पास कि उसकी इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन जो है या स्टेट जो है वो सेम होती हैं, ठीक है। अब आज हमने इस साइकिल को, ये जो वर्किंग सब्सटेंस का साइकिल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल हो सकते हैं, ठीक है। उनमें से एक साइकिल आपके कोर्स का हिस्सा है जो कि हमारा हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, ठीक है। पहले दो तीन वैसे साइकिल देखते हैं। इन साइकिल को पढ़ने के लिए ना हमने पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के चार प्रोसेस पढ़े थे, एप्लीकेशन पढ़ी थी कि आइसोथर्मल, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक, जिसमें हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस था बेटा कि जिसमें हमारे पास हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। अब एक हमारे पास एक और प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक, उसका यह मतलब होता है कि वो रिवर्सिबल भी हो और हमारे पास एडियाबैटिक भी हो। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक साइकिल कहते हैं, कि जो कि हमारे पास ये यहां पे आपको नजर आ रहा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं कि जिसमें एडियाबैटिक भी हो और क्या हो, रिवर्सिबल भी हो। दूसरे लफ्जों में इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें एंट्रोपी चेंज ना हो, क्योंकि आपको पता है रिवर्सिबल एंट्रोपी का टॉपिक हम लास्ट पढ़ेंगे। तो आइसेंट्रोपिक क्या कि जिसमें रिवर्सिबल भी हो और एडियाबैटिक भी हो, या दूसरे लफ्जों में जिसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहे, एंट्रोपी सेम रहे, उसको हम कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास साइकिल है, ये डिफरेंट तीन चार टाइप्स लिखे मैंने, ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, मेंशन साइकिल है, या कार्नोट साइकिल है, और डिफरेंट साइकिल है, ये मैंने तीन चार मेंशन किए हैं। इसमें हमारे पास साइकिल में ऑपरेट होगा, साइकिल से मुराद के हमारे पास दो, कोई भी दो प्रोसेस ऑपरेट हो रहे होंगे। मतलब ऑटो साइकिल में हमारे पास आइसेंट्रोपिक है और आइसोकोरिक है। पहले इसमें हमारे पास क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, फिर इसकी एक्सपेंशन होगी, फिर इसके थ्रू कंप्रेशन होगी, फिर इसके थ्रू कंप्रेशन होगी, तो हमारे पास ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डीजल साइकिल में हमारे पास दो यूज होते हैं, कौन कौन से, एक एडियाबैटिक प्रोसेस यूज होता है और आइसोबैरिक प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। मेंशन साइकिल में हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस यूज होता है और आइसोकोरिक प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। कार्नोट साइकिल में हमारे पास जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, उसमें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। अब बेटा ये चार डिफरेंट साइकिल थे, इसमें आगे दो दो प्रोसेस यूज हो रहे हैं, ठीक है। इन दो के थ्रू कभी एक्सपेंड, दो दफा हमारे पास इन दो के थ्रू एक दफा एक्सपेंशन होगी, एक दफा कंप्रेशन होगी, तो टोटल हमारे पास जो पोर्शन बन जाएगा साइकिल के वो चार बनेंगे। आइडियल साइकिल, आइडियल साइकिल बेटा हमारे पास स्ट्रेट होता है, हमारे पास लेट सपोज के अगर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो आइडियल साइकिल अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास कंप्रेशन, ये हमारे पास सॉरी ये एक्सपेंशन थी हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा है, आइडियल साइकिल है। लेकिन हमारे पास साइकिल जो रियल साइकिल है ऐसे नहीं होते, ठीक है। वो आज हमने देखना है कि कार्नोट साइकिल जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो कैसे ऑपरेट होता है। तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये तीन आप ना भी याद करेंगे कोई इश्यू नहीं है। तो कार्नोट साइकिल से ऑनवर्ड हमारा जो है काम स्टार्ट होगा, ठीक है। कार्नोट हमारे पास साइंटिस्ट था कि जिसने हमारे पास एक इमेजिनेटिव, हमारे पास हाइपोथेटिकल इंजन है कि जो कि रियल में हमारे पास नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे। उसकी स्टेटमेंट ये है कि कोई भी हीट इंजन हमारे पास है, ठीक है, अगर उसके लिए टेम्परेचर रिजर्वायर सेम है, उनके टेम्परेचर सेम है, नो रियल हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर रिजर्वायर। कि हमारे पास दो रिजर्वायर हैं, जिस तरह हीट इंजन में हमने देखा, एक हमारे पास क्या होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, दूसरा लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है। अगर डिफरेंट इंजन इन्हीं दो टेम्परेचर में ऑपरेट कराए जाए तो जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, सबसे ज्यादा जो एफिशिएंसी होगी वो हमारे पास कार्नोट साइकिल की होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि ये आइडियल हीट इंजन है, तो इसके लिए कुछ अजम्पशन किए हैं हमने, कुछ अजम्पशन बनाई है, क्या ये वाली अजम्पशन पूरी होंगी तो फिर हम कार्नोट साइकिल पढ़ सकते हैं। उसमें से पहली ये है कि एक हमारे पास हीट इंजन में सिलेंडर और पिस्टन, ये दो मेन पार्ट्स हैं, कि सिलेंडर जो हो उसकी जो बेटा वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो थर्मली इंसुलेटेड हो, वो क्या हो, थर्मली इंसुलेटेड हो, एक थर्मली और परफेक्टली, कि थर्मली का मतलब यह है कि दीवारों के थ्रू कोई हीट ट्रांसफर ना हो, और परफेक्टली कि 100% फिर ऐसा हो, तो ये एक अजम्पशन है। और दूसरा उसकी जो बेस हो
उसके हमारे पास जो बेस है वो कंडक्टिंग हो, वो परफेक्टली कंडक्टिंग हो, कि साइडों से हीट ट्रांसफर ना हो, बल्कि हमारे पास जो भी हीट ट्रांसफर होनी है वो उसकी बेस के थ्रू हो। तीसरा है जो पिस्टन है उसका, ठीक है, पिस्टन जो है बेटा वो हमारे पास फ्रिक्शन लेस हो और वेट लेस हो। अब ये दोनों अजम्पशन पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हमने अज्यूम की ये चीजें, रियल में हमारे पास ऐसा काम ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दो अजम्पशन आपने याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं कि कार्नाट साइकिल पढ़ते हुए कार्नाट थ्योरम में कौन कौन सी दो चीजें जो है हम इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि कार्नाट साइकिल में हमारे पास जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि हीट इंजन में जो हमारे पास ऑपरेट होता है वो साइकिल में ऑपरेट होता है, तो कार्नाट साइकिल में हमें क्या क्या चीजें चाहिए। बेटा ये कार्नाट साइकिल की मैंने पीवी डायग्राम ड्रॉ की है कि हम पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, अच्छा ये इस तरह साइकिल ऑपरेट होगा, ए से बी, देन बी से सी, ठीक है, देन सी से डी, देन डी से ए। तो ये हमारे पास कार्नाट साइकिल की फिगर है, कार्नाट साइकिल का शेप है हमारे पास। इसमें जो हमारे पास कर्व ए से बी है बेटा, वो जो है हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वो क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है कि जो हमारे पास कर्व ए से बी है, ठीक है। अब यहां पे आपको पता है अगर हम यहां पे बात करें स्टेट वेरिएबल्स की बात करें तो ए पे हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा होगा यहां पे प्रेशर क्या होगा हमारे पास पी वन, ठीक है, ये आप पी ए कर लें, वॉल्यूम हम वी वन, एंड टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा टी वन, टेम्परेचर क्या होगा टी वन होगा। अब क्योंकि ये हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया, प्रेशर भी चेंज हो गया, क्योंकि आइसोथर्मल में प्रेशर और वॉल्यूम तो हमारे पास चेंज हो सकते हैं लेकिन टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो बी पे जब हम पहुंचेंगे तो ये प्रेशर हमारे पास पी टू हो जाएगा, वॉल्यूम वी टू हो जाएगा, लेकिन बेटा जो टेम्परेचर है वो हमारे पास टी वन ही रहेगा। टी वन इसलिए रहेगा क्योंकि हमने ये कहा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, लेकिन अगर सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है ए से बी तक सिस्टम में एक्सपेंशन आई है तो एक्सपेंशन के थ्रू ड्यूरिंग तो हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन ये कांस्टेंट रखने के लिए फिर हमें इस साइकिल में बाहर से जो हीट है वो इंपोर्ट करना पड़ी, बाहर से सिस्टम में हीट एंटर करना पड़ी ताकि वो हमारे पास इस टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख सके, ठीक है। अब हमारे पास बेटा ये जो बी से सी वाला पोर्शन है, बी से सी वाला पोर्शन, ये हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है कि सिस्टम हो एक्सपेंड ही रहा है, सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है लेकिन एडियाबैटिकली हो रहा है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस हमने देखा था वो क्या था कि हमारे पास जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता, टेम्परेचर चेंज हो सकता है लेकिन नो हीट ट्रांसफर, कि मतलब ना सिस्टम से बाहर हीट जाएगी कि जो साइकिल में आ गई सिस्टम में हीट आ चुकी है वो अंदर ही रहेगी, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगी, सिस्टम से अब ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो जो बेटा सी पॉइंट होगा हमारे पास, इसमें जो स्टेट वेरिएबल अगर हम लिखें तो ये हमारे पास क्या होगा P3 कर ले इसको, ठीक है, प्रेशर P3 होगा, वॉल्यूम V3, अब टेम्परेचर जो है वो वहां पे T1 था यहां पे T2 हो जाएगा, वो बेटा इसलिए क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड किया है, एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया है, जो A से B था उसमें टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट रहा कि हमने आइसोथर्मली किया था और उस एक्सपेंशन में टेम्परेचर वैसे कम होगा लेकिन हमने उसको कांस्टेंट रखने के लिए हीट इंपोर्ट कर ली, लेकिन B से C तक हमारे पास हीट इंपोर्ट करने वाला ऑप्शन नहीं था तो सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 पे डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो हमारे पास ऊपर कर्व है वो किससे शो हो रही है, बी से सी तक, ठीक है, ये हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अब इसके बाद हमारे पास आइसोथर्मली कंप्रेशन होगी, अब वहां से सिस्टम जो है वो सी से डी की तरफ जाएगा, किस तरफ, सी से डी की तरफ। अब बेटा यहां पे हमारे पास स्टेट वेरिएबल लिखने, हमने यहां पे स्टेट वेरिएबल हम कैसे लिखेंगे कि यहां पे प्रेशर जो है वो पी फोर हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर पी फोर, वॉल्यूम वी फोर, लेकिन टेम्परेचर अगेन T2 रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर अगेन क्या रहेगा, T2 रहेगा। अब इसमें क्या है, अब देखें वैसे तो होना ये चाहिए था कि जैसे हमारे पास ये कंप्रेशन हो रही है और कंप्रेशन में हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, लेकिन यहां पे मैंने ये देखें, ये हेडिंग देखें आइसोथर्मली कंप्रेशन, कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा कि टेम्परेचर जो पॉइंट सी पे था तो सी से डी तक कंप्रेशन हुई है, तो सी से डी तक जो आइसोथर्मली कंप्रेशन है टेम्परेचर चेंज नहीं होगा लेकिन टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा कंप्रेशन में, ठीक है, लेकिन जब आइसोथर्मली हम बात करेंगे तो बेटा फिर जो जितनी हीट हमने ए से बी में एंटर की थी
उतनी हीट हमें इसमें से रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, जब हीट बाहर निकल आएगी तो उसका टेम्परेचर जो है वो सी से डी तक जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि टी टू था। अगेन फिर हमारे पास आखिरी जो है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन है, अगेन कंप्रेशन है। ठीक है, कंप्रेशन में हमारे पास, लेकिन यहां पे और सी से डी वाली कंप्रेशन में क्या डिफरेंस है कि यहां पे हीट ट्रांसफर, हीट रिजेक्शन नहीं हो सकेगी, इसलिए सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, जो कि दोबारा टी टू से T1 पे पहुंचेगा। अब दोबारा हम ए पोजीशन पे ऐसे जैसे ए स्टेट पे पहुंचेंगे तो हमारे पास दोबारा सिस्टम अपनी इनिशियल कंडीशन पे वापस आ गया, तो ये हमारे पास एक साइकिल जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बेटा ये इसका जो एरिया है हमारे पास, ये इस कर्व का ये जो एरिया है, ये हमारे पास वर्क डन के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है कि जितना इंजन वर्क डन परफॉर्म करेगा, एरिया ऑफ दिस ग्राफ ए बी सी डी ए के जितना इस कर्व का एरिया होगा वो हमारे पास वर्क डन के इक्वल होगा, वो हम एफिशिएंसी के थ्रू निकालेंगे। तो इसमें बेटा यही आपने डायग्राम है इस साइकिल की, कार्नर थ्योरम की, इसको आपने ये चार स्टेप्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हो रही है। ये थ्योरी में लिखेंगे आप कि ए से बी तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, उसमें हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हमें हीट क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और ए और बी पे जो स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहे हैं वो लिखने हैं और जो कांस्टेंट है टेम्परेचर वो लिखना है। ठीक है, सेम बी से सी पे कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो जाएगा लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके सी से डी हमारे पास जो आइसोथर्मल कंप्रेशन है उसमें क्या है कि हमारे पास हीट जो है रिजेक्ट करके कंप्रेशन के थ्रू टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे, जो कि स्टेट सी पे था। इस तरीके डी से ए पे हमारे पास जो एडियाबेटिक वो कंप्रेशन है वो हमारे पास डी से ए की है। ठीक है, तो ये डायग्राम और ये चार प्रोसेस याद रखने हैं। अब देखें हमारे पास इस सिस्टम ने हमें कितना वर्क डन करके दिया, कितनी एफिशिएंसी है, वो हम एफिशिएंसी के थ्रू देखेंगे कि हमारे पास ये क्या होता है, एफिशिएंसी आउटपुट ओवर इनपुट, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, जो कि हीट इंजन वाला लेक्चर था हमारा, उसमें भी देखा। आउटपुट बेटा हमारे पास यहां पे वर्क डन होगा W ओवर, और इनपुट हमारे पास आपको पता है हीट इंजन में क्या होती है, Q1 होती है। ठीक है, और वर्क डन ये सेम डेरिवेशन है जो कि हमने हीट इंजन वाले टॉपिक में की। तो बेटा देखें इसको अगर सॉल्व करेंगे हमारे पास 1 माइनस Q2 ओवर Q1, इसी तरीके अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके अगर हम इसको टेम्परेचर की फॉर्म में लिखें तो 1 माइनस T2 ओवर T1। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में फॉर्म में लिखेंगे तो 100 से साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा ये वाला जो हमारा एफिशिएंसी है इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि हमारे पास एफिशिएंसी गिवन होती है, इसमें से किसी हीट फाइंड करनी है किसी रिजर्वायर की या टेम्परेचर फाइंड करना है। एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि एमसीक्यूज आते हैं फेडरल बोर्ड में कि एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, तो अक्सर ऑप्शन में एक मौजूद होता है 100%, क्योंकि ये स्टूडेंट के जहन में इसलिए आता है कि हमने ये स्टार्ट में कहा ये इमेजिनरी हीट इंजन है। ठीक है, सपोज किया हुआ हीट इंजन है तो इसकी एफिशिएंसी 100% होगी। तो बेटा 100% आप नहीं लगा सकते, 100% होने के लिए क्या चाहिए कि ये हमारे पास Q2 जीरो हो जाए। ठीक है, हमारे पास 100% कब होगा कि जब हमारे पास ये Q2 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर Q2 जीरो हुआ मतलब सिंक का टेम्परेचर हमने जीरो कर दिया, और बेटा अगर हम सिंक का टेम्परेचर जीरो कर देंगे वो तो हीट इंजन ही नहीं होगा, वो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायोलेशन हो जाएगी। तो वो तो हीट इंजन ही नहीं होगा कि अगर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायोलेशन कर दें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आएगा हमारे पास मैक्सिमम कि कार्नोट हीट इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन 100% कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कोई भी इंजन नहीं है कार्नाट समेत, कार्नाट इंजन को शामिल करके ऐसा कोई भी इंजन नहीं है कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। एफिशिएंसी बेटा 100% करने के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास उसका सिंक का टेम्परेचर जीरो, सिंक का टेम्परेचर जीरो करेंगे तो वो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायोलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपने दोबारा से रिपीट करो, आपने क्या याद रखना है, इसमें हमने कार्नाट थ्योरम की क्या याद रखनी है, डेफिनेशन स्टेटमेंट याद रखनी है, इसके साइकिल याद रखने हैं कि साइकिल प्रोसेस याद रखने हैं कौन कौन से प्रोसेस पे ऑपरेट होता है कि एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ फिर एडियाबेटिकली, फिर हमारे पास आइसोथर्मली कंप्रेस हुआ फिर एडियाबेटिकली कंप्रेस हुआ, इसकी एजम्पशन कि हमने एजम्पशन क्या बनाई थी एंड पे इसकी एफिशिएंसी है, और ये जो मैक्सिमम एक एमसीक्यूज मैंने बताया आपको ये बहुत ज्यादा रिपीट किया जाता है कि कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट के लिए
कि हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट हीच इंजन कैन बी 100%, नहीं 100% नहीं हो सकती, मैक्सिमम जरूर हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक बच गया है, एंट्रोपी, जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र तो किया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 होगा, उस पर ये टॉपिक थ्योरी इस चैप्टर की कंप्लीट होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज देखेंगे।